कहाँ जाना है जी साहब? ले चल देंगे। क्या जाना है, कहाँ तक जाना है? बस छोटी मार्केट जाना है भैया, दो तेल के टीन ले जाने हैं बस। ठीक है सर। रामलाल भाई हो गया काम, उतार दिया सामान घरों? जी सर। अच्छा लो भैया तुम्हारे पैसे। चल दिए क्या स्कूल के लिए? हमेशा की तरह फिर वही 10 रुपए। ऐसा कब तक चलेगा पिताजी? अब मैं कोई बच्चा थोड़े रह गया हूँ। आपको पता है ना कितना खर्चा होता है मेरा, दूसरों से मांग कर पैसे लेने पड़ते हैं मुझे। आप तो ये 10 रुपए पकड़ा देते हो। अरे यार आता ही होगा। चलो यार लेट हो रहा है ना कॉलेज के लिए। चलो यार, आज तो वेट कर रही होगी ना वो कल वाली। चल यार दुकान पे आकर खिलाते हैं, चलते चल। चलो यार आज तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। चलो तो देख के क्या खिलाओगे। चल भाई पैसे दे। लो जी भाई, ये चिल्लर से काम नहीं चलेगा। 100 का नोट निकाल, 100 का नोट जेब में हाथ दे और निकाल, इनका जमाने तो गए। साले भिखारी, गरीब की औलाद, तेरे पास ना पैसे वैसे, तू तो वैसे वैसे खिलाने के लिए कह रहा था। चलो साले ने मूड खराब कर दिया। चलो क्या हुआ बेटा सूरज, इतना गुस्सा किस बात पर हो? ओहो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो पिताजी। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। आज तुम्हारी वजह से ना कितनी बेइज्जती हुई मेरी कॉलेज में। ये मुंह उठा के 10 रुपए की चिल्लर दे देते हो मुझे। क्या होता है इनमें पता है तुम्हें? कुछ नहीं होता इनमें 10 रुपए में। एक बात बताओ पिताजी, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ ना, आप इतना कमाते हो, फिर ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ बेटा सूरज, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ठेला चलाता हूँ, मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है। खेतों में काम करता हूँ तो कमर में दर्द होने लगता है। लेकिन मैं फिर भी दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि तू आगे बढ़ सके, तू पढ़ सके। जितना होता है मैं तेरे लिए उतना करता हूँ। हाँ हाँ दिखता है मुझे कितना करते हो तुम मेरे लिए। ये 10 रुपए की चिल्लर दे देते हो, बेइज्जती रोज करा के रख रखी तुमने मेरे।
देख भाई मैं आईफोन लाया हूँ। दिखा भाई इधर। ये देख। कोई बात ना भाई, कल को तेरा भाई भी जाएगा इसमें ले। दुकान पर तो दस का चिल्लर दिखा रहा, तेरी होगा आईफोन लाने की। मैं तू भी बिगाड़ी, तेरा बाप भी बिगाड़ी, तेरे बस की रखा आईफोन लाना। बुला लो बेटे मजाक तुम, लेकिन आईफोन तो ला के रहूंगा मैं। बेटा बाप को अंडर में लेना पड़ता है आईफोन लाने के लिए, अपने बाप को अंडर में ले पहले, जब लाना आईफोन। यार मैंने पिताजी को बहुत समझा लिया है, लेकिन वो पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है। तू बता यार क्या करूँ मैं। करना कुछ नहीं है, अपने बाप को डरा और धमका और मरने की धमकी दे, तेरा आईफोन तो एक ही दिन में आ जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं, छुट्टी का टाइम हो गया ना। बेटा सूरज, ये फोन क्यों तोड़ दिया तुमने? हाँ, जैसा आईफोन 11 दे रखा तुमने मुझे, तुम्हें पता है कि इस फोन की वजह से कितनी बेइज्जती होती है मेरी कॉलेज में। तुम तो यहाँ घर में पड़े रहते हो, वहां जाकर देखो कॉलेज में कितने बड़े बड़े फोन है मेरे दोस्तों पे। दिल करता है कभी कभी अपनी जान दे दूं। तुझे उस दिन पता चलेगा जिस दिन तू बाप बनेगा कि एक बाप के कंधों पर कितना बोझ होता है। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, दिन रात मेहनत की, तुझे पढ़ाने के लिए नंगा रहा ताकि तू कपड़े पहन सके, भूखा रहा ताकि तू खा सके, नीचे सोया ताकि तू ऊपर सो सके, और तू बोलता है मैंने क्या किया तेरे लिए। अरे तुझे क्या पता, तेरी मां इतना तो छोड़कर गई थी तुझे। हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया तुमने मेरे ऊपर, सबके बाप करते हैं और कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला तुम्हें। हाँ लेकिन एक एहसान जरूर किया पिताजी तुमने मेरे ऊपर, मेरी बेइज्जती बहुत कराई तुमने। हाँ मैंने कोई महान काम नहीं किया, लेकिन मैंने एक काम जरूर किया है, मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटा और मुझे इसके लिए कोई अवार्ड भी नहीं चाहिए। मैंने वो सब किया जो एक बाप को करना चाहिए तेरे लिए बेटा। हाँ पता है कितना कर रहे हो तुम मेरे लिए, ना तो मेरे पास नए कपड़े हैं ना कोई फोन है, दुनिया देखो कितनी आगे चली गई है पिताजी, और तुम उस टूटे हुए ठेले को चलाते हुए खुश हो अपने। तो क्या फर्क पड़ता है दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, मुझे बस इतना पता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना फर्ज निभाता रहूंगा। हाँ तो करो अपना फर्ज पूरा, मुझे एक आईफोन और रोज 500 रुपए चाहिए, वरना अच्छा नहीं होनेगा पिताजी। वरना वरना क्या करेगा, मारेगा मुझे? मार, खड़ा क्या देख रहा है, मार ना। बस बहुत हो गया पिताजी, अब नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। Thank you.
हुआ, कैसे परेशान हो रहा है? वहाँ तेरा बाप मरा पड़ा है या तू सांस खेल रहा है? अरे मर गया तो क्या हो गया, उसने मेरे लिए कुछ किया है आज तक? जा तू जा, चलो भाई खेलो तुम।